भाई आप जो कंटेंट बनाते हो आपके चैनल हाँ। पे देखता हूँ मैं कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और जो अराउंड द वर्ल्ड चल रही है आप उसके बारे में बात करते हो इलियमार्टी जैसे हो गया की आप बात करते हुआ। 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 हो बट मैं जानना चाहता हूँ ये थोड़े से कॉमन टर्म्स हो गए कुछ ऐसी चीजें जो आपको इतना रिसर्च करने के बाद अपना कॉन्टेंट डालने के बाद आपको लगे यार ये सब भी चल रहा है दुनिया में ऐसी क्या चीज़ें जो आपको लगती है कि जो जिसने आपको एकदम वो कर दिया हिला दिया हिला दिया एक्चुअली शुरुआत में ना बचपन में हम इल्यूमिनाटी के बारे में सुना करते थे कि एक ट्राइंगल है क्या है हमको कुछ समझ में नहीं आता था एकदम बाउंस जाता था ये सब चीज़ें फिर जब धीरे धीरे बढ़ते गया सारी चीज़ें जब हम लोग धीरे धीरे म्यूजिक वीडियोज़ देखते गए दुनिया में तो नॉर्मल लगती थी चीज़ें लेकिन अभी जैसे गाने का रेफरेंस देता हूँ पॉपुलर वीकेंड का गाना है वो शूट हुआ है फ्री मेसन के चर्च में एंड इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी फ्री मेसन फ्री मेसन इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी ये एलुमिनाटी की ही तरह है यस यस दुनिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज है बस हमारे सामने ना एक एल्यूमिनाटी एक नाम ऐसा बस दिखाया जाता है हमको क्योंकि वो एक कूल टाइप का बन गया आप देखते हो लोगों के हाथ में टैटू होते हैं एल्यूमिनाटी वगैरह के लेकिन फ्री मेसन भी एक सीक्रेट सोसाइटी है है वो चीज़ एंड वो जो गाना है पॉपुलर वो उधर ही शूट हुआ है वो गाने के आप लिरिक्स देखो क्या बोला गया है उसके अंदर किल एनी वॉन्ट टू बी पॉपुलर सेल योर सोल टू बी पॉपुलर मतलब आप किसी की जान ले लो पॉपुलर बनने के लिए आप अपनी रूह को भेज दो पॉपुलर बनने के लिए उसमें और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जिसके अंदर वो गाना सुनने में मजा आता है हम लोग वाइब करते रहते हैं लेकिन अगर आप उसके मीनिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोल दिया इस इंसान ने मतलब वो फ्री मेसिन के चर्च में पहले खड़ा है एंड वहाँ पर खड़े होकर वो ये सारी बातें बोल रहा है एंड मैंने बहुत समय पहले सुना था कि एक रिचुअल होता है किसी भी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का बताया जाता है कि सामने ना कोई तो खड़ा होता है बोलते कि सामने सेटन खड़ा होता है अच्छा। व्हाइट कलर के ऐसे ना कपड़े में ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा होता है अंदर ऐसा लगता है कि काले कलर का ऐसा पुतला है लेकिन वो हिल सकता है आप दिख सकते हो ये कहाँ पे पढ़ा आपने गूगल पे है आर्टिकल्स है बहुत बहुत अच्छा। सारे आर्टिकल्स है यस और बहुत सारे यूट्यूब पे विडियोज भी है इसके ऊपर एंड ऐसा बोला जाता है कि आपको उसके सामने खड़े होकर एक ओत लेनी पड़ेगी कि आप उनके बारे में कभी किसी को बोलोगे नहीं कभी किसी को बोलोगे नहीं अदरवाइज हम कर लेंगे आपका जो करना है एंड वहाँ का एक रिचुअल होता है कि आपको आपका जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना पेन uh, से करते उधर भी साइन करना पड़ता है बट नॉट विद द पेन यहाँ से लेके कर यहाँ तक ब्लेड से काटना पड़ता है देन यू हैव टू स्टिक इट टू द पेपर देन वो आपको कुछ पंद्रह बीस सेकेंड तक रखना पड़ता है एंड उसके बाद आप कंप्लीटली अभी आप उनके हो चुके हो दैट बोलते हैं ना कि सोल बेच दी हाँ हाँ तो वो वहाँ पे होता है एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिचुअल दिस इज द फर्स्ट रिचुअल सेकंड किसी सीक्रेट uh, सोसाइटी को ज्वाइन करने का होता है कि वहीं पे आपको पेपर पे लिखना होगा नाम एक बंदे का बोलेंगे कि आप किस जो भी आपका लव्ड वन है बस उसका यहाँ पे नाम लिख दो hmm. वो नाम नॉर्मल नहीं है इट इज़ अ्यूमन सेक्रीफाइस आपको किसी अपने की जान लेनी पड़ेगी अंदर घुसने के लिए अपने किसी की आपको मौत का कारण बनना पड़ेगा मतलब वो वो बंदा खुद से उसको मारेगा यस यस खुद से नहीं मारेगा वो वो लोग वो लोग कर लेंगे जो करना है लेकिन आपको नाम लिखना पड़ेगा वेदर इट इज़ योर मॉम योर डैड योर सिस्टर योर फ्रेंड लेकिन आपका एकदम करीबी होना चाहिए ऐसा नहीं किसी का भी नाम ले लिया वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे आने से पहले और क्या ऐसा भी है कि जितने ज़्यादा क्लोज वन की आपने नाम लिख दिया सपोज अपने पापा का ही लिख दिया तो फेम बहुत तगड़ा मिलेगा ऐसे आगे बढ़ जाओगे इट्स लाइक कि देखो एक नॉर्मल सी चीज़ है आपकी मॉम मरे आपके पापा मरे या आपकी सिबलिंग मरे कोई बड़ा भाई छोटा भाई आपकी बहन दर्द तो आपको उतना तो ही होगा बिल्कुल दर्द की कोई मीटर नहीं होता कि एक मेरा दोस्त मर गया वगैरह ऐसा कुछ उत, वो वो तो उतना ही होता बट दिस इज़ अ रिचुअल ये उसके तीन कुछ दो तीन स्टेप्स होते हैं जो आपको करना पड़ेगा जस्ट टू ज्वाइन सो ये एक जगह थी जहाँ पर मेरा दिमाग ना बहुत हिल गया था कि दिस इज़ थिंग दिस इज़ अ थिंग इस इसमें मेरा दिमाग एकदम हिल गया था एंड आई वॉज लाइक कि लेकिन ठीक है किसी ने ज्वाइन किया होगा क्या हुआ रहेगा उसके साथ एक ना ऐसा बंदा था मैं नाम नहीं लूँगा उसका उससे मेरी बात हुई थी इस सेम चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा है तो क्या होता क्या है उस बंदे के साथ उसने बोला वीकेंड का नाम जानते हो मैं बोला हाँ तो उसने बोला उसके पास कितना फेम है मैं बोला भाई सब जानते हैं यार उसको तो सुना जस्टिन बीबर को जानते हो मैं बोला हाँ जानता हूँ तो उसने बोला मैं जितने लोगों का नाम लूँगा ना तो सबको जानता रहेगा बट ऐसे और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो लोग फेमस है लेकिन मैं नाम लूंगा तो तो नाम नहीं जान पाएगा क्यों क्योंकि दिस इज़ अ वे ये जो रिचुअल करना रहता है ना क्योंकि वो लिटरली उसी दिन से काम पे लग जाते आपके पीआर करने के लिए आपका पीआर आर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे वो लोग कि लिटरली आप, आप उनका चेहरा ना आपके आँखों के सामने दिखता रहेगा दिखता ही रहेगा दिखता रहेगा ऐसे करके आपका फेम बढ़ता ही रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा लेकिन आपको ना हर साल उनका एक रिचुअल करना पड़ेगा हर साल जैसे कि वापस से अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस का आ गया कुछ तो आपको करना पड़ेगा बोला जाता है आपको लिटरली बोल देंगे कि तू ट्रांसजेंडर बन जा आपको बनना ही पड़ेगा अदरवाइज वो आपको मार देंगे आके या तो तू तो वो कर या तो ये कर और ये कंडीशंस पहले नहीं बताते कि हम ये भी बोल सकते हैं नहीं नहीं वो तो ये ये, बोल सकते नहीं, नहीं 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 वो वो जो क्या बोलने वाले वो नहीं बोलते लेकिन वो बोलते कि साल में एक रिचुअल तो हम बोलेंगे अच्छा वो आपको करना पड़ेगा इफ़ यू डोंट तो हम देख लेंगे जिसका आपने नाम लिखा था जैसे हमने उनको देखा था आपको भी देख लेंगे भाई ये सब आप रिसर्च करके जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है वही इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं ऑफ कोर्स ये इंटरनेट पे जितने आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे उसके अंदर मेरी एक पर्सनल लाइक like, जो मेरा यूट्यूब चैनल भी अमान पारकर उसमें जो मेरी रिसर्च टीम है उसके दौरान भी हमको ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो हम लोग ना मैं कह नहीं पाता ऑडियंस को क्योंकि उसके इतने ज़्यादा ठोस सबूत नहीं होते तो इसके लिए मैं बोलता ही नहीं उसके बारे में लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें ना जिसके ऊपर आप सोचना तो पड़ेगा इट इज़ लाइक दैट क्या क्या पड़ा है जैसे कि जो सेटेनिज़म है ना ऐसा बोला जाता है कि मोस्टली वो पॉलिटिक्स में होता है सेटेनिज़म के जो ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं दे आर नॉट धर्म के ठेकेदार दे आर जस्ट यूजिंग हिंदू एंड मुस्लिम या फिर ब्लैक रेस ये जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट ये सब उसको जस्ट एज अ टॉपिक यूज़ कर रहे हैं उनका एंडिंग गोल उनका एंडिंग एंडिंगम्पल सिर्फ एक ही है उनको जाना उस उस सेटनिक चर्च में ही है एट द एंड दे आर जस्ट यूजिंग द रिलीजन एज जस्ट अ टॉपिक लोगों को भटकाने के लिए ये चीज़ हो रही है और पॉलिटिक्स में ये सारी बातें सुनने को मिलती है मेरे को लेकिन ऐसा हो रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि कोई ऐसा रिसर्च मतलब ऐसा प्रॉपर फुल स्टॉप के साथ नहीं बोला गया हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ बोला गया तो उसके बारे में बात करने को थोड़ा डर लगता है लेकिन ऐसा ही कि कभी ना कभी तो मिलेगा कभी ना कभी तो मिलेगा ट्रांसजेंडर आपने जो बोला कि ये करने को बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं एक ट्रांसजेंडर हो गया फिर किसी भी फिल्म फेस्टिवल में ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के चले जाओ बस इतना ही करो या फिर इफ़ यू आर अ म्यूज़िक कॉन्सर्ट अगर आपका है आप कोई सिंगर हो तो बस बीच में जाके भले एक सेकंड के लिए आधे सेकंड के लिए ये कर लो या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो या फिर ये कर लो दिस इज़ द फ्री मेसन साइन बाय द वे यस ये सब कुछ ऐसा कुछ कर लो एंड देन वो निकल जाएगा कोई इंसान अगर खड़े होकर एक बार ऐसा भी कर लेगा ना वो इतना वायरल हो जाता है भले कोई वो चाहता हो या ना चाहता हो लेकिन वो वायरल तो हो जाएगा भाई ये देखिए वैसे हमने अपने अराउंड चीज हाँ। जैसे अभी दिलजीत ने भी किया था और हम रणवीर सिंह को भी देखते हैं तो वो स्कर्ट में घूमने वाली बात है तो ये भी होता है, है कि भाई इंसान स्कर्ट में भी घूम रहा है तो हो तो रही चीज़ हो तो रही है चीज। चीज़ें अगर आपको ना मैं एक ट्रांसजेंडर का एक ये बोलता हूँ एक एग्जाम्पल देता हूँ मिस्टर बीस्ट का एक मेम्बर था मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर इंडिया मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसका ही एक कोई तो मेंबर था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका लेकिन वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया ऑल ऑफ अ सडन बहुत पैसा है भाई के पास फेम भी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया जब वो अपना कन्फेशन बोल रहा था बहुत ट्रांसजेंडर कि मैं कन्वर्ट हो गया रो दिया वो इंसान कि मतलब वो चाहता नहीं है ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट होने का लेकिन वो हो गया एक वो भी है एग्जांपल जो पता नहीं किसी के डैड हैं तो काइली जेनर या फिर काइली जेनर के डैड हैं वो yeah. क्या पचास पचपन की एज में आ ट्रांस ट्रांस yes. में कन्वर्ट हुए और ये अमेरिका में हो रहा है भाई पागलों की तरह हो mm. रही है वो रही चीज़ मतलब अमेरिका एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे नो वन गिव्स अ फक अबाउट एनी किसी को कोई लेना देना नहीं है बस उनको अपने से लेना देना है मेरे को बस पैसा कमाना है मेरे को फेम चाहिए मेरे को लेम्बोगिनी में घूमना है वगैरह वगैरह तो उनको जो भी आसान ऑप्शन मिलता है वो उसको चूज़ करते हैं एंड गाइज लिटरली बोलो तो अगर आपको देखना है ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ का ये जो रिचुअल्स होते हैं जो भी होता है आप अमेरिका में जाओ क्योंकि उससे ज़्यादा फ्री कंट्री कोई है नहीं है सब उधर मतलब जो चाहे वो कर रहे कौन ट्रांसजेंडर बन रहा है एल जी बी टी क्यू प्लस 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 हर रोज़ एक प्लस ज्वाइंट हो रहा है किसी को कुत्ता किसी को बिल्ली किसी को कुछ कुछ बनना है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस सब मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं इसका मतलब लोग मैसिवली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो अभी इंसान कोई कुछ भी करेगा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्ट्रीट्स में अगर कोई नंगा भी नाचेगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे सो so, ये चीज़ हो रही है विद द सेटेनिक रिचुअल ऑल्सो वहाँ पे अच्छा वहाँ पे ये मिस्टर बीस का जैसा मैंने आपको बताया ये वो बंदा ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया काइली जेनर का जैसे अभी आपने बताया कुछ देर पहले उसके जो पापा थे वो ऐसा कन्वर्ट हो गए हमेशा ना ये चीज़ जब होती है जब इंसान का डाउनफॉल आता है इंसान का डाउनफॉल आएगा ये लोग आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि आपका चेहरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है आप देखते रहोगे बहुत सारे लोग फेमस थे गायब हो गए अचानक से और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं इतने ज़्यादा फेमस हो जाते कि हम लोग सोचते कि भाई ये इंसान पहले तो नहीं था इतना फेमस अचानक से कैसे हो गया नो कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब नो कंसिस्टेंसी ऑन द मूवीज़ बट स्टिल वायरल हो जाते हैं hmm. लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना एकदम सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी दिखेंगे उस इंसान से कि वो इंटरेक्ट करना बंद कर देगा लोगों से लेकिन उसका काम बहुत चलता रहेगा ब्लॉक पे पर ब्लॉकबस्टर देगा वो चीज़ भाई तो फ्री मेसन की आपने बात करी तो फ्री मेसन का ही थोड़ा और बताओ इंडिया में भी आ, है एक्चुअली मैं जा चुका हूँ फ्री मेसन के चर्च में मेरे को आया था कॉल सीधा सामने से एंड मैं गया फ्री मेसन के चर्च में एंड एक इतनी स्टुपिड बात मेरे को पता चली वहाँ पे जाके कि फ्री मेसन इज अ सीक्रेट सोसाइटी वाली बात सच है एकदम सच है और बुलाया कहाँ पे था कुछ ऐसे कोई सीक्रेटिव जगह थी कोलाबा में मुंबई में एक जगह है कोलाबा एंड वहाँ पे एक फ्रीमेसन का चर्च है एंड आपको गूगल पे भी उसका मिल जाएगा लेकिन उस चर्च में कोई भी नहीं जा सकता अगर ओपन डे रहेगा या फिर एक पर्सनल इन्विटेशन है तो ही आप जा सकते हो अदरवाइज़ वहीं पर बॉडी रोक लेंगे ऐसा लगता है कि अंदर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है तो हमको लगा शायद अंदर जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि किसने तो बुलाया हमको बातचीत कर रहे हैं हम लोग बोला ऊपर आप जा नहीं सकते मैं बोला क्यों नहीं जा सकता ये तो ऐसे नॉर्मल है ये तो मैं बोला आपको इन आपको पर्सनल इनविटेशन होना चाहिए या फिर आप एक फ्री के पार्ट होने चाहिए या फिर अगर कोई ऐसा इवेंट है और सबको बुलाया बुलाएगा तभी आप आ सकते हो ये सारे बार मैं इन तीनों में से तो हम कुछ भी नहीं है फिर भी उसने बोला आप सब्र रखो मैं आ रहा हूँ तो पहली बात तो वो जो मास्टर था वहाँ का वो हमको पर्सनली एक होटल में मिला एक कैफ़े एग्जैक्ट ऑपोजिट है उसके एक कैफ़े एक नॉर्मल कॉफ़ी शॉप टाइप की है एंड वहाँ पे हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं कुछ सवाल पूछे मैंने उसको मैं बोला क्या ये बात सच है कि फ्री मेंसन इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है मैंने बोला ऐसी कुछ बात ही नहीं है ये कॉन्स्परेसी थियोरी है लाइक like, ये शुरुआत हुई थी फ्रॉम ब्रिटिश फैमिलीज ब्रिटिश की जो रॉयल फैमिलीज थी उनमें से किसी ने इसको शुरुआत की शुरुआत करी और इसका फ्री मेसन बनना मतलब एक अच्छा इंसान बनना इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेटन को पूज लो ये कर लो वो कर लो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उन्होंने बोला कि एक यहाँ का एक एक नॉर्मल रूल ये भी है कि जब आप एक बार फ्री मेसन का चर्च आप अंदर एंटर करते हो तो आपको सारे धर्म भूल जाने वो एक है क्योंकि आपको अभी आप फ़िलहाल यहाँ के रूल्स को फॉलो करना है ये एक बस एक लिखा गया था इसको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वे में लिखा गया था ताकि लोग यहाँ के रूल्स को फॉलो करें इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे शैतान को पूछो ना ऐसा है नहीं बोला सीन फिर हमने उसको बोला कि क्या आप लिटरली दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो समथिंग ऐसा उसने बोला जो लोग कंट्रोल करते इस दुनिया को दे आर अ पार्ट ऑफ फ्री मेसन शुरुआती में थे क्योंकि इट वाज अ न्यू क्लब क्लब जैसा ही है तो लोग होते थे इसके पार्ट अभी लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जमशेद जी टाटा भी फ्री मेसन के पार्ट थे स्वामी विवेकानंद भी फ्री मेसन के पार्ट थे और एक मोराजी देसाई फ्री मेसन के पार्ट थे अब इतने बड़े बड़े लोग फ्री मेसन के पार्ट हैं बाहर के लोग बड़े बड़े फ्री मेसन के पार्ट है जो किंग चार्ल्स क्वीन एलिजैथ ये लोग फ्री मेसन के पार्ट है तो लोगों को लगता है कि ये लोग अमीर हैं क्युं? क्यों क्योंकि ये लोग फ्री मेसन के पार्ट हैं नहीं ये लोग अमीर है ये लोग डिसिप्लिन है दैट्स वाई दे आर अ पार्ट ऑफ फ्री मेसन कि वो अपने आप को शांत रख सकते हैं ये और कुछ नहीं है सिर्फ़ एक जिम खाना है लोगों ने हवा बना के रखी है इसकी ऐसा कुछ नहीं जो भी अगर आपको ऐसा बोलता है कि नहीं फ्री मेसन से मेरे को इनविटेशन आया ये आया वो आया वो बस तुम्हारे थाट्स क्लियर करने के लिए आ रहा है और मुझे बुलाया गया या फिर आपको बुलाया गया वो सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आप फॉलोअर ज़्यादा है आप फेमस हो तो उनके पास वो पावर है आपको बुलाने की आप वो एक नाम बहुत बड़ा है ना फ्री मेसन तो आप भी सुन के हाँ बोलोगे हाँ मैं आ रहा हूँ आप डर जाओगे क्योंकि आपने ऐसी बातें सुनी है उसके बारे में आप हाँ दोगे लेकिन जाके आपको पता चलेगा कि ये तो आपका फ़ैन है इसके लिए बुलाया आपको तो अच्छा। मेन पर्पस फ्री मेसिन का ये है कि वो तुम्हें एक अच्छा इंसान हाँ। वो सोसाइटी यस और इसीलिए वो मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं हाँ वैसे कुछ रिचुअल होते हैं जैसे कि डोनेट करो पैसा डोनेट करो ये करो वो करो मतलब गरीबों की मदद करो अपने आप की सेहत की ये करो और आप अंदर कनेक्शंस नहीं बना सकते अंदर अंदर जाओगे तो क्योंकि वो लोग ना जब आ, वहाँ पे आपको इनविटेशन आता है कि इनविटेशन तो पहले तो सामने से बोलेंगे नहीं वो लोग कैसे लो, आया था इनविटेशन मेल आया था मैसेज आया था मुझे मुझे मैसेज नहीं आया था मेरा एक दोस्त है हॉरर क्रिएटर ही है मैं उसके साथ गया था वहाँ पर उसने बोला था कि ये इंसान मतलब मुझे कुछ आ, ये थे प्रॉब्लम्स थे फ्रीमेसन के ऊपर हमको एक वीडियो बनाना था एंड कॉन्स्परेसी थेरी के ऊपर था ऑफ कोर्स ये कॉन्स्पिरसी ही है तो हमने बोला भाई ये थॉट्स क्लियर करने हैं तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ उसने बोला मेरा एक कनेक्ट है वहाँ पे तो इसने हमारा प्रोफाइल भेजा उसको तो वो जो ग्रैंड मास्टर था उसने बोला बुलाओ इसको हम भी जानते हैं आ जाओ मिलते हैं हम लोग बात करते सारे थॉट्स नहीं क्लियर करता हूँ मैं जब गया मेरा तो दिमाग फट गया यार मैं बोला क्या हम लोग बचपन से सुनते आ रहे ये फ्री मेसन के बारे में कि ऐसा हो जाएगा अमीर हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा इनका पहला रूल ही ये हो जाएगी हाँ

बोला क्यों भाई क्यों नहीं करोगे बात इल्यूमिनाटी के बारे में सब जानते हो उसके बारे में उसमें बोला हम जानते हैं इसलिए हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में बोला लेकिन कुछ मतलब ऐसा ख़तरनाक बात है क्या उसने बोला है इसके लिए हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में अच्छा एंड उसने कुछ कुछ ऐसी बातें बोली जैसे कि इल्यूमिनाटी नाम था जर्मनी में जब एडम वाइज नाम का एक बंदा था जिसने इल्यूमिनाटी की शुरुआत करी उसने रखा था नाम इल्यूमिनाटी अब सबसे स्पेशल बात यह कि इल्यूमिनाटी का नाम हर साल चेंज होता है हर साल अब कोई कंपनी का नाम भी कुछ हो सकता है इल्यूमिनाटी से बदलाव और वो भी हो सकता है वो चीज़ जैसे कि शायद हो सकता है ब्लैक रॉक होगा हो सकता है कि वेंगार्ड होगा जो कि पूरी दुनिया को पूरी दुनिया की 90 परसेंट मीडिया को कंट्रोल करता है सब हो सकता है वो चीज़ भाई रॉस चाइल्ड के लिए भी तो कहते हैं कि रॉस चाइल्ड जो फैमिली है वो भी एक तरीके से मतलब ग्रुप नहीं मतलब वो पूरा सब पैसा ऑन करती है जितना भी कंट्रीज रॉस चाइल्ड का एक्चुअली उनका क्या हो गया ना सीन कि वो जो फैमिली है उसके शेयर्स बहुत सारे कंपनीज में हैं अभी भले एक, -एक परसेंट भी होगा ना हर एक कंपनी में फिर भी लोग बोलेंगे ये तो सारी कंपनी इसकी है तो वो भी कॉन्स्परेसी एक बना के रखा है उसका सब चीज़ें मतलब कॉन्स्परेसीज का अलग लेवल हो गया है मैं चल रहा था मुझे एक आदमी घूर के देख रहा था और मुझे ना उसके कपड़े में एल्यूमिनाटी का साइन दिखा मुझे लग रहा है मेरे को इससे ना इन्विटेशन आया है कुछ भी बना देते हैं भाई जैसे ये जो कम्युनिटी है फ्री मेसन यहाँ पर अगर लोग ये बोला जाता है कि कोई धर्म को फॉलो नहीं करना वो सारे धर्म भूल कर अंदर घुसा तो कुछ तो सुप्रीम पावर कुछ होगा जिसके आगे वो लोग खुद सर झुकाते हैं यस एक है एक एक गॉड है उनका एक आइडल है मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा वो लगा देना स्क्रीन के सामने ये है वो एंड इसको देख के ना मैं भी बहुत घबरा उठा था पहले मैं बता तो क्या हुआ था जब मैं फ्री के अंदर गया था पहली बार बाहर बहुत सारे बॉडी हैं मैंने बोला कि मेरे को शुरुआत में ऐसा लगा कोई सेलिब्रिटी अंदर मैं अंदर गया कोई है नहीं अंदर पूरा खाली गाली दे सकते हाँ हाँ <laughs> मतलब अंदर कोई है ही नहीं सन्नाटा, पूरा सन्नाटा, सन्नाटा हुआ है। बंगला जैसा है अंदर एंड अंदर गए मैं बोला शायद ऊपर कोई होगा जहाँ पे मेन चर्च में लेके जा रहे हैं हमको ऊपर कोई तो होगा ऊपर भी कोई नहीं है यार एक तो डर लगे जा रहा है चौबीस घंटे मेरे को डर लगे जा रहा है वहाँ पे कि कुछ अभी हो जाएगा कुछ अभी हो जाएगा और वहाँ पे ना एक मेन रूम है मीटिंग रूम वहाँ पे कुछ तीन चार रखे हुए थे एक वहाँ पे एकदम मिडिल में एक इस साइड एक इस साइड एंड वो सब हमको पूरी हिस्ट्री बता रहा था वो जो मास्टर था पूरी हिस्ट्री बता रहा है हिस्ट्री बता रहा है और उसमें से कुछ भी उनको ऐसा वियर्ड नहीं लगा वहाँ पे बस जो उनका आइडल था वो मेरे को वियड लगा आँख है वो एक आँख जैसे इलुमिनाटी में दिखती है वैसे इसमें भी है लेकिन वो आँख का फिगर क्यों है एंड इट लुक्स लाइक अ सेटेंस आए वो दिखता है एक शैतान की आँख जैसा आप देखोगे तो आपको उधर लगेगा ही लगेगा और एक तो वहाँ पे जिस लेवल की ऑफ नेगेटिविटी मैंने देखी ना मैं बार बार आसपास देख रहा हूँ कि कोई मेरे को देख रहा है क्या भले मैं अकेला हूँ वहाँ पे उस इंसान के साथ लेकिन आसपास मैं देखे जा रहा था चौबीस घंटे मैं तो भार बार 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 निकल भी रहा था बाहर और वहाँ पर ना फिर एक बंदा आया जो कि फ्री का पार्ट है फ्री आपको इतने अच्छे से आपको फॉलो करना पड़ेगा ना कि आपके जो हैंड शेक करने का तरीका होता है जैसे हम नॉर्मल ऐसा हैंडशेक करते हैं राइट वहां पे एक बंदा आया एंड उसने कैसा हैंडशेक किया बस इतना इतना फिंगर करेगा इतना फिंगर करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडशेक है। आपका जिस जिस टाइप का आपका लेवल है फ्री मेसन में उस टाइप के आपके हैंडशेक हो गए तू तो कब गया फ्री मेसन में तू भी ऐसी तो उधर का एक लेवल होता है मालूम है जैसे कि अभी आप PUBG खेलोगे या क्लैश ऑफ क्लैंड खेलोगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडल्स मिलते हैं आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स मिलेंगे नाम मिलेगा रुतबा मिलेगा सेम उधर भी होता है आप एक छोटे एक समझो कि आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो फिर उसके बाद आप एक मैंबर बन गए फिर मैंबर बन गए बाद में आप सीनियर मैंबर बन गए उसके बाद आप कमिटी मेम्बर बन गए फिर उसके बाद आप फ्री मेसनरी समथिंग कुछ नाम है वो बन गए फिर उसके बाद आप एक वहाँ पे एक चेयर्स लगी हुई रहती है बहुत सारी उसकी भी फ़ोटो भेजूँगा उसके अंदर आप अगर बैठ गए तो आप थोड़े और बड़े बन गए फिर अगर वो जो तीन चेयर होती है उसमें से कोई एक बन गए तो आप और बड़े बन मेंबर बन गए इसे करते 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 एकदम टॉप नंबर पर आप बन जाओगे मेरे को पता चला है, जो सबसे टॉप नंबर पर है ना वो असल में गरीब है बहुत और उनका पहला रूल है अगर आप आओगे यहाँ पर तो ये मत सोचना कि आप अमीर बन जाओगे भाई जैसे आप बता रहे थे कि आ, ये किंग चार्ल्स और बड़े बड़े लोगों ने स्टार्ट किए थे क्या वो लोग अब भी इससे एसोसिएटेड हैं उनके जो उनकी, उनकी फैमिली जो उनकी, ही तो से? फैमिली देखो वो जो था ना हेडमास्टर उसको जब मैंने पूछा था कि आपको भी तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर्स है मेम्बर की लिस्ट है या फिर पैसा कहीं पर भेजना पड़ता रहेगा उसने बोला हाँ ना रॉयल फैमिली ब्रिटेन की उनको भी भेजना पड़ेगा उसने बोला वो ही तो हैंडल कर रहे हैं सब कुछ दे आर ओनर ऑफ फ्री मिसिन चेयरपर्सन वो ही है हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन वो ही हैंडल करते हैं इस चीज का अच्छा यस yes, ये सारी चीज़ें और उधर ऐसा कुछ डार्क कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा लगा बट उधर ऐसा कुछ था ऐसे हम सुनते हैं कि भाई सैक्रिफाइस करना होता है या कुछ करना होता है ऐसा कुछ था उधर फ्री मेसन में ऐसा नहीं होता है फ्री मेसन का रिचुअल होता है आपको कुछ फॉलो करना पड़ता है जैसे क्रिश्चियन में बैप्टाइज शायद कुछ होता है आई डोंट नो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी यह बैप्टाइजेशन ऐसा कुछ करना पड़ता है आपको बोलना पड़ता है यू एक्सेप्ट जीजस देन उसके फिर पानी में डालते फिर उठाते इनका भी वैसे ही कुछ है रिचुअल लेकिन वो बताए नहीं मेरे को क्योंकि मैंने ना उनको पूछा था कि आप फिर आप अपने सीक्रेट्स सी क्यों नहीं बोल देते हमको इफ़ यू आर नॉट अ सीक्रेट सोसाइटी उसने बोला कि रिलायंस कंपनी में अगर समझो रिलायंस किसी के स्टॉक्स खरीद रहा है और आप उससे पूछ रहे हो कि आप कुछ खरीद रहे हो क्या स्टॉक्स तो वो बोलेगा तो अपना काम करना है यार मेरे को अपना काम करने दे हम बड़े लोग हैं हम क्यों बताए तेरे को तो जस्ट एक, एक नॉर्मल आदमी है हम क्यों बताए तेरे को जो भी मेम्बर है कोई भी है हम क्यों बताए सो इन दिस केस एवरी पर्सन इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी उसने मेरे को बोला कि कोई अपनी सीक्रेट बातें क्यों बोलेगा उसने बोला कि कुछ कुछ जो रिचुअल्स

कि जैसा सोच के गए थे फेम मिलेगा ये मिलेगा सब एकदम दिल टूट गया तो पर भाई जो आप, जो आप अपन ने स्टार्ट में कही थी कि उसके गाने में साथ वो एक्चुअली मन में कैसा रिलेशन है कि फ्री society, so like church, की फ्री मेसन इज अ सीक्रेट सोसाइटी सो इट्स लाइक वीकेंड इज स्टैंडिंग इन अ चर्च जो एक सीक्रेट एक सोसाइटी का है और वहाँ पे जाके वो सीक्रेट सोसाइटी के सारे रिचुअल्स के बारे में बात कर रहा है जो कि वो किसी और से कनेक्ट कर रहा है हर एक म्यूज़िक वीडियो का एक मतलब होता है बहुत गहरा मतलब होता है हर एक म्यूज़िक वीडियो का जैसे कि कहते हैं ना अगर आप एक बिली आइलिश का सॉन्ग है हैप्पियर देन एवर बिली आइलिश का एक वर्स है इसका पता नहीं कोई तो वर्स है बीच में जिसमें वो पानी के अंदर ऐसा डुबकी मार रही है वहाँ से उस गाने को रिवर्स में चला दो सिर्फ़ और सिर्फ सेटेनिक वर्ड्स बोले उसने उसमें अच्छा। सिर्फ और सिर्फ सेटेनिक वर्ड्स और हर एक चीज़ का आपको मतलब मिल जाएगा गूगल के आर्टिकल्स में हर एक और ये ओपन है एक इंसान ऐसे ही रील में मतलब ऐसे ही कुछ तो रिसर्च कर रहा है कर रहा है और बस वो गाने को उसने रिवर्स कर दिया और वो गाने में जो जो लिखा था रिवर्स में उसने वो डाल दिया गूगल में सारे सेटेनिक चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने सारे रिचुअल्स आ जाएंगे आपके सामने गाने में भी ये बोल रही है कि लाइक like, मैं आपके बारे में कभी किसी को बताती नहीं हूँ आई डोंट से सेट अबाउट यू मैं इंटरनेट में आपके बारे में बकवास नहीं करती हूँ सीक्रेट सोसाइटी एंड मेंटेनिंग द प्राइवेसी हर एक चीज कनेक्टेड है आज के टाइम पे भाई भाई ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है एक तरीके तरह के साथ uh, कितना सच है कितना झूठ है और वही ना करके कॉन्सपिरीसी कॉन्सपीरेसी का मतलब होता है इट मे और मे नॉट बी ट्रू बट ये मत समझना कि ये झूठ है सच भी हो सकता है चलो फ्री मेसन वाली तो कहीं ना कहीं आपने ख़ुद एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल और भिल्कुल। कुछ भिल्कुल। चर्च का एक्सपीरियंस याद है आपको जब आप बाहर निकले तो कुछ मतलब अल्टीमेटली कुछ आप कंक्लूजन ले निकले हो कंक्लूजन ये लेके निकला था कि कुछ बातें हैं जो ये लोग छुपाते हैं कुछ बातें है जो ये लोग छुपाते लेकिन फ्री मेसन इज़ अ गुड थिंग आई वुड से क्योंकि वो जो बंदा था वो एकदम बहुत ना एक उम्मीद के साथ मुझे देख रहा था कि मतलब हम बुरे नहीं हैं हमको बुरा बनाया गया है मतलब एक टाइम पे जमशेद जी टाटा थे उसमें स्वामी विवेकानंद मोराजी देसाई फिर शोरों के ये लोग थे मतलब ये मैं हाँ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है सब गूगल में आप भी सर्च करो आपको मिल जाएगा और वो जो था वो एडवांस है उसने खुद अपने मुँह से बोला वोली बात है खुद बोला है यस